आज आप सब लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन को लेकर के पर्यायवाची शब्द का। और आज जो हमारा ये वीडियो है, ये इस वीडियो का पार्ट थर्ड है, तीसरे पार्ट को लेकर के आ गया हूँ। और इस थर्ड पार्ट में हम ई और उ, यानी ई और उ, इन दो लेटर्स के शब्दों की पर्यायवाची शब्दों को लेकर के इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहला वर्ड देख सकते हैं, वो लिखा गया ईश्वर। भगवान से शुरू करते हैं। ईश्वर, जिनको कि कई नामों से जाना जाता है, पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है कि उनको कई नामों से जाना जाता है, कितने नाम है ईश्वर के, तो वो है परम पिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। ईख, ईख मतलब गन्ना, ऊख इच्छु, इप्सा मतलब होता है अभिलाषा, ख्वाहिश, कामना, इच्छा, ठीक है ना, उसको इप्सा कहते हैं। ईमानदारी का मतलब होता है सच्चा, सत्यपरायण, नेक नियता, सत्यनिष्ठ। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब होता है द्वेष, जलन, कूढ़न, ढाह, ठीक है ना, ईर्ष्या को कहते हैं। ईसा मतलब होता है यीशु, ईसा मसीह, मसीहा। इहा मतलब होता है, इहा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है ना, कामना, अभिलाषा जिसको कहते हैं, इच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा और मनोकामना, ये सब इहा का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो शब्द होता है वो हमारे जो लेटर है उससे शुरुआत होने लगता है, और उ लेटर जो है उससे स्टार्ट होने में जितने भी शब्द हैं उन्हीं के साथ ही अपनी इस वीडियो को कंप्लीट भी कर दूंगा मैं, सिर्फ दो लेटर, उसके बाद से फिर देखेंगे आगे और भी जो हमारे लेटर्स आएंगे, अगर उनमें छोटे छोटे कम कम अगर रहेंगे शब्द तो और भी इनकी संख्या को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो पहला है उपवन। उपवन को कहते हैं बागीचा, बाग, उद्यान, वाटिका, गुलशन, ठीक है। दूसरा है उक्ति। उक्ति का कथन, वचन, सुक्ति। उग्र को कहते हैं प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। उचित को कहते हैं ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। उत्श्रृंखल को कहते हैं उदंड, अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। उजड को कहते हैं अशिष्ट, असभ्य, गवार, देहाती, उदंड, निरंकुश, ठीक है। उजला को कहते हैं उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल। उजाड़ को कहते हैं जंगल, ब्यावन, वन। उजाला को प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष को कहते हैं समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। उत्कर्ष के पर्यायवाची होती है उत्कृष्ट की, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा उत्कोच। उत्कोच का पर्यायवाची होता है घूस, रिश्वत जिसको कहते हैं। उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची होता है उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। उद्धार का पर्यायवाची होता है मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय का होता है युक्ति, साधन, तरकीब, तदवीर, यत्न, प्रयत्न। उज्र, उज्र का होता है ऐतराज, विरोध, आपत्ति। उत्थान का होता है उत्कर्ष, प्रगति, उन्नयन। उत्साह का होता है उमंग, जोश, उत्साह। उदार का फराख दिल, क्षीर निधि, दरिया दिल, दानशील, दानी। उदाहरण का मिसाल, नज़ीर, दृष्टांत। उदंड का ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख। उद्देश्य का लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद। उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची होता है बागीचा, बाग, वाटिका, उपवन। उन्नति का होता है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष। उपकार का होता है भेंट, नजराना, तोहफा। उपहास का परिहास, मजाक, खिल्ली। उपाना का होता है खड़ाऊ, पनही, पादुका, पदप्राण। उमा का होता है गौरी, गौरा, गिरजा, पार्वती, शिवा, शैलजा, अपर्णा। उम्मीद का होता है आशा, आस, भरोसा। उर मतलब हृदय, वक्षस्थल।
पूरक मतलब होता है सर्प, नाग, सांप, फड़ी, फड़धर, मणिधर, भुजंग। उल्लू मतलब उल्लू, चुगद, घुसट, कौशिक, घुग्घू। उषा का होता है, उषा मतलब भोरकाल होती है, ठीक है। उषा का होता है सुबह, भोर, भिनसार। और क्या होता है अल सुबह, ब्रह्म मुहूर्त। उष्णिस मतलब मुढ़ासा, पगड़ी, साफा, पाग, मुरेठा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम ऊ शब्द से स्टार्ट होने वाले सभी शब्दों को लेकर के आएंगे और ये हमारे इस वीडियो का चौथा पार्ट होगा। तो तीसरा पार्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट, थर्ड पार्ट क्या होता है कंप्लीट, और चौथे पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।